पठान का बायकॉट किया था। पठान को मैंने कहा था कि पठान कौन है इंडिया में, इंडिया में कितने पठान हैं। पठान को अगर आपने देखने हैं तो पाकिस्तान जाइए, पठान आपने देखने हैं तो अफगानिस्तान जाइए। अभी हाल ही में जो दीपिका पादुकोण का जो गाना आया है बेशरम बेशरम, दीपिका पादुकोण ने सिर्फ नाम को कपड़े पहने में, मैं मानता हूँ ज़रूर कि ये फिल्म परिवार के साथ बैठ के देखने लायक नहीं है। योगी जी को दुहार इसलिए नहीं लगा रहे थे ये लोग कि भाई के जी कठोरा आ जाएगा, ये आ जाएगा। आज देश उन्नति कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में उन्नति कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की दौड़ में बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र भी बनने जा रहा है हमारा देश। मोदी जी योगी जी जो है इसको बॉयकॉट को बंद आप ही करवा सकते हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्यों बोलना पड़ रहा है। देखिए फिल्म पठान पे बायकॉट मैंने किया, पठान फिल्म के जो चाहने वाले हैं या शाहरुख खान को जो चाहने वाले हैं, लेकिन अगर एक आदमी ने फिल्म बनाई है, देखिए मैंने भी पठान का बायकॉट किया था। पठान को मैंने कहा था कि पठान कौन है इंडिया में, इंडिया में कितने पठान हैं। पठान को अगर आपने देखने हैं तो पाकिस्तान जाइए, पठान आपने देखने हैं तो अफगानिस्तान जाइए, पठान आपने देखने हैं तो ईरान जाइए। कभी क्या होता है कि जैसे कुछ फिल्मों का जो है पूरा जो लॉबी जो है बायकॉट करने की बात करती है, जैसे कश्मीर फिल्म आई थी, कश्मीर फाइल्स जो आई थी, द कश्मीर फाइल्स, उसके लिए बोला गया था कि इसको क्यों कड़े मुर्दे जो है आप उखाड़ रहे हो फिर दोबारा से, इसमें फिर सांप्रदायिक दंगे हो जाए, नफरत फैल जाएगी। क्या जो सच्चाई है उसको दिखाना गुनाह है? नहीं, गुनाह कोई भी नहीं है इसमें दिखाना। देखिए 370 हटी हमने स्वागत किया था, 370 हटी, लेकिन आज हम फिर भी वही चीज़ देख रहे हैं कि आज भी कश्मीरी पंडितों के साथ जो है वो अत्याचार हो रहा है, उनको घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा है। और कश्मीरी पंडितों को जो कहा गया था कि 370 धारा हटाने के बाद जितने कश्मीरी पंडित वहाँ से प्रवास कर चुके हैं, जहाँ से निकाले जा चुके हैं, भगाए जा चुके हैं, उनको हम दोबारा बसाएंगे। लेकिन लगता है ये राजनीति हो रही है, राजनीति में वो उतार चढ़ाव चलता रहता है, आज मैं कुछ बोल रहा हूँ कल मैंने कुछ बोला, तो ये सब राजनीति होती है। ये इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश हमारा सर्वोपरि है। आज देखिए आज ये भारत देश एक ऐसा विषम कुटुंब है हमारा देश, इसमें सब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है, सब मिलकर चल रहे हैं इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आज लोग बटे हुए हैं, कोई राहुल गांधी की रैली में दौड़ा चला जा रहा है तो कोई मोदी जी के गुनगा रहा है, तो कोई फ्री की राजनीति करने वाला केजरीवाल की गुनगा रहा है। तो आज हम लोग भटके हुए हैं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि हमारी दिशा क्या है, क्या किस तरह की हमारी दिशा होनी चाहिए। की बात हो रही है कि फिल्म किस तरह की होनी चाहिए, कि हम अगर फिल्म चाहे किसी भी धर्म का हो, क्या इस तरह से नग्नता देखना पसंद करेगा कोई, क्या होना चाहिए, कैसे किस तरह के जो है रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। देखिए अभी हाल ही में जो दीपिका पादुकोण का जो गाना आया है बेशरम बेशरम, और एक मैं हूँ एक और दूसरा गाना है, तो उसमें दीपिका पादुकोण ने सिर्फ नाम को कपड़े पहने में, मैं मानता हूँ ज़रूर कि ये फिल्म परिवार के साथ बैठ के देखने लायक नहीं है। अपनी बहन बेटियाँ अपनी बहुओं के साथ या अपने परिवार जो महिलाएं हैं वो किसी भी रूप की हो सकती है, किसी भी रिश्ते की हो सकती है, उनके साथ देखना ही फिल्म बिल्कुल नाकारा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने तो बीच में भी कहा था कि इस फिल्म के कुछ देखिए हमारा सेंसर बोर्ड जो है, पहले के भी सेंसर बोर्ड होते थे और आज भी सेंसर बोर्ड होते हैं, 80-90 के दशक की आप फिल्में देख लीजिए, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता था। उसके बाद जैसे जैसे अब कल्चर बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, उसमें अब कपड़े कम होते जा रहे हैं। आज देखिए आज दीपिका पादुकोण के नहीं, आज औरत जात लेडीज़ के जो है कपड़े कम होते जा रहे हैं और मर्दों के कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि ये चीज़ बदलाव का एक नज़रिया हो सकता है ये। लेकिन अब आजकल का माहौल जो है, देखिए मैं भी आज 50+ का हूँ, लेकिन पहले भी हमारी फिल्म आती थी, आपने देखा होगा इससे पहले आप फिल्म चली जाइए, सत्यम शिवम सुंदरम आई थी जीना जमान की, तो जीना जमान का अश्लील फिल्म थी वो, सत्यम शिवम सुंदरम जीना जमान की थी, पृथ्वी राज कपूर साहब ने बनाई थी, बहुत हिट गाना हुआ था उसका, जिसमें वो सुबह उठकर अपने देवी देवताओं को मंदिरों को साफ करती है। उसके बाद भी लगातार फिल्में आई हैं, मंदाकिनी की एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें भी दिखाया गया था। लेकिन आजकल का माहौल समझ में नहीं आ रहा कि आज एक ही देश के लोग, एक ही व्यक्ति, देखिए शाहरुख खान भी हमारा है और अक्षय कुमार भी हमारा है, और शाहरुख खान का बायकॉट करते हैं। योगी जी इसके साथ मीटिंग करके ये कहना कि योगी जी आप ही रोक सकते हैं बायकॉट को, नहीं तो हमारा जो है कटोरा हमारा दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो जाएगा, TRP डाउन हो जाएगा, लोग फिल्में देखेंगे नहीं, तो क्या लगता है कि क्यों योगी जी को जो है गुहार लगा रहे थे ये लोग? योगी जी को दुहार इसलिए नहीं लगा रहे थे ये लोग कि भाई के जी कटोरा आ जाएगा, ये आ जाएगा। उन्होंने देखा कि नहीं, इस देश में तो अब संप्रदाय का बढ़ती जा रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने योगी जी से इस चीज़ को रोकने को कहा है कि आप ऐसा कुछ करिए कि यहाँ पर मेल जोल का जो माहौल था, जो गंगा जमनी तहजीब थी, वो बरकरार रहे।
वो बरकरार रहे, क्योंकि आज देखिए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आज देश उन्नति कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में उन्नति कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की दौड़ में बढ़ रहा है, आगे विश्व गुरु की दौड़ में बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र भी बनने जा रहा है हमारा देश। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के लोग जो हैं वो अलग अलग मानसिकता वाले हैं। कोई कहता है अच्छी फिल्म है, तो कोई कहता है बुरी फिल्म है, कोई कहता है ये निकाल दो, तो कहता है वो निकाल दो, कोई पठान पर ऑब्जेक्शन उठाता है, तो कोई किसी पर उठाता है। तो मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि निर्णय लो, देश हित में निर्णय लो, और अगर जो शख्स जो अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो ही मुँह से 140 करोड़ लोगों के मुँह से भी वही बात निकलनी चाहिए। चाहे वो देखिए विचारधारा अलग अलग होती है, ये सब की होती है, एक घर में चार लोग होते हैं, चारों को एक ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ पसंद हो, लेकिन हमारा देश विश्व कुटुंब है, देश बनने जा रहा है ये, तो इसमें देखना चाहिए हम लोगों को। आज हम शाहरुख खान का कर रहे हैं, आप अब गदर 2 आ रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो मुसलमान है, अगर उसमें पाकिस्तान के ऊपर देखा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बन रही है, तो क्या मुसलमान सड़कों पर आएगा? अब तो हिंदू सनातनी धर्म सड़कों पर है इस वक्त कि जी इसमें अश्लीलता दिखाई जा रही है। कल को अगर गदर 2 आती है और उसमें अगर पाकिस्तानियों के बारे में या मुस्लिम महिला लड़कियों के बारे में कुछ कहा जाएगा, ये चाहती है कि ये राजनीति ये देश चाहता है? तो संविधान में जाति तो लिखी नहीं है, संविधान में तो कोई जाति नहीं है, संविधान तो सबके लिए बना भाई, हमारे देश का संविधान तो सबके लिए बना, उसमें ना तो हिंदू ना मुसलमान, सबके लिए बना संविधान देश का। बताओ मेरे किसने कहा? किसने कहा? सुन बेटा सुन, मैं बताता हूँ, हिंदुओं के लिए नहीं बना। वो किसके लिए बना? मैं बताता हूँ तेरे को, तुम्हारे हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं? इनके पे चढ़ावा चढ़ा के आते हो, कहाँ जाता है वो चढ़ावा पता है तुम्हें? गवर्नमेंट ले लेती है, गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है बताओ? तुम्हारे हिंदुस्तान का जो बजट है ना, उसके बराबर चढ़ावा जाता है मंदिरों में, और ये खिलाते किन के? उनको खिलाते हैं। फिर तो फिर संविधान एक जैसा कैसे हुआ? ये सब कहने की बातें हैं बेटा, ये सब कहने की बातें हैं। इन्होंने एक बात, अगर संविधान एक होता तो तुम अमरनाथ यात्रा जाते हो, वहाँ गोलियाँ चलती हैं, मर जाते थे बंदे हज में, तो कोई आज तक नहीं मरा गोली से। इनके लिए सब अलग है, तुम्हारे लिए कुछ अलग नहीं है, समझे? तो इसलिए संविधान की बात मत किया करो, या ना संविधान है ना कानून है, या सिर्फ डंडा है, या सिर्फ डंडा है बेटा। सरकार मैंने तेरे को बता दिया, मैंने तेरे को बता दिया, जाके कहीं से पूछ ले, जितने मंदिर बने हुए हैं सब मंदिरों का चढ़ावा जो है वहाँ जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे SDM ना नॉन हिंदू भी होगा ना, वो भी जाके मंदिर से ले लेते, मंदिर में जाके वो ले लेता है पैसे कलेक्ट करके और उधर खर्च हो जाता है। आप एक बात बताओ, केजरीवाल है इन मस्जिद वालों को तनख्वाहें दे रहा है, महंगाई क्यों आ रही है? सुन, महंगाई नहीं है, महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई महंगाई कोई महंगाई, 140 करोड़ की आबादी भी तो है, अरे 140 करोड़ की आबादी भी तो है, वो भी तो देखो। एक बात बता, नहीं ओए, और रोहिंग्या कितने आ गए? रोहिंग्या कितने आ गए यहाँ पे? कितने करोड़ों रुपए में, करोड़ों में आ गए? बांग्लादेशी कितने के? करोड़ों में आ गए। बसाई जाओ, बसाई जाओ, महंगाई होगी और क्या आएगा? जो आया और सुन सुन, अब ये सुन बेटा, अब जो रोहिंगी रोहिंगी आए हैं ना भाई, हमारे अंकल जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, अब देश में एक देश, अंकल जी एक मिनट, हमारे देश में जो नई चीज आनी चाहिए वो है एक देश एक कानून। एक देश एक कानून आ जाएगा तो उसमें क्या है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो म्यांमार से आए हुए हैं, इन लोगों ने देखिए, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उससे पहले ही दूसरे के जो बाहर के जो आए लोग हैं वो पहले कब से आए हुए हैं उसमें पर, तो हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी, हम लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये भाई जो अगर कानून बनने के बाद देखो बेरोजगारी ऐसी भी नहीं है, अगर ज़्यादा होती ना बेरोजगारी तो कुछ लोग काम नहीं करना चाहते। मैं बताऊं, बेरोजगारी होती ना तो आप बताइए बाल मजदूरी क्यों हो रही है? रोज छापे पड़ते हैं, 10-20 बच्चे पकड़ के ले जाते हैं वो कि ये बाल मजदूरी करवा रहे थे। अगर बड़े करने वाले होते तो बाल क्यों करते? बापू कहता मैं तो घर बैठा हूँ, ये कमा के लाएगा।